सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई के लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के पवित्र प्यार की दुआ है राखी, रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई, खुशियों के सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई, बहन के हाथों में सजी आज राखी की कलाई, बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई, हर भाई बहन को रक्षा बंधन की बधाई। लड़ना झगड़ना और मना लेना यही है भाई बहन का प्यार, इसी प्यार को बढ़ाने आता है रक्षा बंधन का त्योहार। आज का पंचांग 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि रात्रि 11:55 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:44 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को सावन की 5वें सोमवार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे और रक्षा बंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षा बंधन शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षा बंधन का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त की सुबह 3:05 से शुरू होगी और तिथि का समापन रात 11:55 पर होगा। भद्रा काल 18 अगस्त की रात 2:21 पर लग जाएगी। साथ ही भद्रा का समापन 19 अगस्त दोपहर 1:30 पर होगा। रक्षा बंधन पर राखी बांधने का पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल में रहेगा। वृषभ राशि 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार। इस राशि के जातकों के लिए दिन निवेश संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों से अपने बॉस को प्रसन्न रखेंगे। आज आप छुट्टी ले सकते हैं और घर में दिन व्यतीत कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। घर मेहमानों से भरा रहेगा और खुशियां छाई रहेगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। बहन भाई आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। आज घर में परिवार के साथ मिलजुल कर नवीनीकरण और साज सज्जा को लेकर कुछ विचार विमर्श होगा। कोई भी काम करने से पहले उसका बजट अवश्य बनाएंगे तो आर्थिक दिक्कतों से बच जाएंगे। अपनी बातों में खोए रहने से वर्तमान स्थिति को समझना कठिन होगा। मानसिक रूप से कमजोर करने वाली बातों का प्रभाव पड़ेगा। आपको अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। परिवार के लोगों के साथ हुए विवाद दूर होने में काफी वक्त लगेगा। फिलहाल दूसरों से अपेक्षा न रखते हुए केवल अपने प्रयत्नों पर ध्यान दें। काम की जगह कुछ लोगों के साथ हो रहे विवाद की वजह से काम में रुचि कम होगी। आपको अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की आवश्यकता है। पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त हो सकता है लेकिन एक दूसरे की अपेक्षाएं ठीक से न समझने से दिक्कतें हो सकती है। सावधानियां। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ व्यवधान आएंगे परंतु काम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभालें क्योंकि उनके खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। तनाव से परहेज करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। मनोरंजन और शॉपिंग आदि जैसे कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। आपके सितारे आपको अपने सपनों के राजकुमार से मिलाने की स्थिति बना रही हैं। वह काफी साहसिक हो गया होगी। उनकी खुशमिजाजी भी देखने लायक होगी। जैसा आप सोच रहे थे वह बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा लेकिन उसके काफी करीब होगा।
इसीलिए उसके लिए अपनी पसंद जाहिर करने में ना हिचकिचाएं और लगे हाथ अपनी भावनाओं का इशारा भी दे ही दें। बात करते हैं करियर की। आपको काफी समय से अपनी सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटाने का है। अब आप अपने किसी करीबी की मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति आपकी कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है जब आपको देर तक कार्य करना पड़े या आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से काम लेते समय पूरा ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकता है। साथ ही किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया परेशान करेगा। ऑफिस में चल रहा प्रोजेक्ट पूरा होने से राहत मिलेगी, जिससे अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। बात करते हैं सेहत की। तनाव से आपकी पाचन क्रिया पर असर होगा। हेल्थी खान पान ले और तनाव मुक्त रहने के लिए योग करें। प्रकृति आपको अपनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने का एक मौका दे रही है। आपने अभी हाल ही में एक्सरसाइज और अच्छा खाना शुरू तो किया है, पर टुकड़ों में आप इसे पूरी तरह नहीं अपना पा रहे। आज इसे नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लेने के लिए अच्छा दिन है। इसी से आपको अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने मित्रों को बोले कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो वे आकर आपको हौसला बढ़ाएं, आपको प्रेरित करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर धतूरा दूध और सफेद चंदन चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।